बजट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इस पर भी नजर डालते हैं। बजट ब्रेकिंग इस वक्त की, आम बजट का नाम बदल गया है, आम बजट का नाम अब बही खाता रख दिया गया है। आज निर्मला सीतारमण बही खाता पेश करेंगी, इस बार सूटकेस की जगह बैग है, नाम भी बदल दिया गया है, बही खाता पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से बही खाता पेश किया जाएगा 11 बजे। तो 11 बजे बजट नहीं, आम बजट की जगह अब बही खाता नाम रख दिया गया है, बही खाता पेश किया जाएगा, यानी कि लेखा जोखा पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण की तरफ से। तो नाम में एक बदलाव, जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि सूटकेस नहीं था आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास, और हम भी ये कयास लगा रहे थे कि कुछ तस्वीरें बदल गई हैं, तो अब इस बदली तस्वीर को नाम भी दे दिया गया है, और इस बदली तस्वीर को नाम दिया गया है बही खाता। जी हाँ, तो निर्मला सीतारमण के हाथ में आम बजट नहीं है, बही खाता है, जिसको पेश करने के लिए निर्मला सीतारमण संसद की तरफ आगे बढ़ी थी। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाया था, ये वित्त मंत्रालय से बाहर निकलने के बाद जो एक फोटो शूट होता है, फोटो सेशन होता है, उसमें निर्मला सीतारमण ने ये बैग दिखाया और ये नाम बदल दिया गया है और अब बही खाता नाम कर दिया गया है। तो बही खाता पेश करेंगी अब से कुछ देर के बाद, डेढ़ घंटे के बाद, जब संसद के पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पहला बही खाता पेश करेंगी। और हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला है, पहली बार ऐसा है कि आम बजट की जगह बही खाता पेश किया जाएगा। तो निर्मला सीतारमण अपना पहला बजट भी पेश कर रही हैं, उसके साथ साथ इतिहास के पन्नों में उनका नाम इसलिए भी दर्ज हो गया क्योंकि बही खाता पेश करने वाली हिंदुस्तान की पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बन गई हैं, क्योंकि इससे पहले तक आम बजट वित्त मंत्री की तरफ से पेश किया जाता था, लेकिन इस बार नाम बदल दिया गया है, इस बार बही खाता नाम कर दिया गया है। तो मोदी सरकार का दूसरा ये जो कार्यकाल शुरू हुआ है, उस दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जाएगा और इसका नाम अब बदल दिया गया है, और नाम बदल कर बही खाता कर दिया गया है। तो जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से इस आम बजट का नाम बदल कर अब बही खाता पेश कर दिया गया है। तो बही खाता 2019-20 पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बहुत उम्मीदें हैं इस बही खाते से, क्योंकि बही खाते में विकास दर पर सबसे ज़्यादा फोकस हो सकता है कि जीडीपी में किस तरीके से ग्रोथ लेकर आया जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, क्योंकि वित्त मंत्रालय की तरफ हर सेक्टर की नज़र होती है कि उस सेक्टर को कितना फंड अलॉट किया जाएगा वित्त मंत्री की तरफ से, चाहे वो रक्षा हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हर डिपार्टमेंट टकटकी लगाए रहता है। तो बजट ब्रेकिंग की जगह आप इसको बही खाता ब्रेकिंग भी समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से आज निर्मला सीतारमण बही खाता पेश करेंगी 2019-20 का। विकास दर पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी कि आखिर किस तरीके से जीडीपी में एक ग्रोथ देखने को मिलेगा, जीडीपी को बढ़ाने के लिए क्या प्लानिंग है, इन्वेस्टर्स और किस तरीके से आए, जो राजस्व घाटा है वो किस तरीके से कम हो। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर नज़रें सबकी टिकी हुई रहेंगी कि आखिर कैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन तमाम चीज़ों से कोप अप करती हैं। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आखिर जिस तरीके से जो फोकस किया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण हर बजट से पहले पेश किया जाता है, और उस बजट से पहले जब आर्थिक सर्वेक्षण आता है तो उसमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि वित्त मंत्री का पूरा फोकस किस तरह पर होने जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।